आइए फिर अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग का रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है वो है आपका एडवर्ब वोकैबलरी, है ना। उसका नाम क्या है आपका? एडवर्ब वोकैबलरी, यानी कि वोकैब। ये सेशन वोकैब सेशन तो है, लेकिन वोकैब सेशन में पर्सनली ये एडवर्ब वोकैबलरी वाला सेशन है ना, ये चीज आपको देखना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ ये समझ लेते हैं कि ये एडवर्ब होता क्या है ना। तो एडवर्ब होता क्या है, तो ध्यान देना, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को या एडजेक्टिव को या खुद अनदर एडवर्ब को जो क्वालिफाई करने का काम करता है, जो मॉडिफाई करने का काम करता है, यानी कि जो क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है किसका? वर्ब का, या जो है किसी एडजेक्टिव का। अच्छा, एग्जाम्पल, चलिए इसी एग्जाम्पल भी दे दिया जाए। जैसे अगर कह दिया जाए ही मीन्स वो रन्स, वो मतलब दौड़ता है, और यहीं पर कह दिया जाए फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब बताइए, ही मतलब वो, ये सब्जेक्ट है आपका, है ना, और यहाँ रन्स ये आपका वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर फास्ट मतलब तेज। अब ये देखिए, वर्ब के बारे में बताया जा रहा है कि वो दौड़ता तो है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, इसलिए ये आपका फास्ट क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, ये आपका हो गया एडवर्ब। डन है ना। तो एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है, और किसको? खुद अनदर किसी एडवर्ब को, है ना। चलिए आगे आइए, देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड एडवर्ब का यहाँ डिस्कस होगा, है ना। नॉर्मली जो एडवर्ब होता है वो चीज होता क्या है, तो ध्यान देना, नॉर्मल जो एडवर्ब होता है अगर बात किया जाए वो एल वाई से कंप्लीट होता है, लेकिन ध्यान देना ये नॉर्मली है, हर केस में ऐसा नहीं होता है, हर जगह ये चीज नहीं चलने वाला है ना। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड, फ्रेंड ये फ्रेंड आपका नाउन है, एक कॉमन नाउन है, लेकिन जैसे आप फ्रेंड में एल वाई एड करते हैं तैसे ये चेंज हो जाता है, एफ आर आई ई एन डी एल वाई, फ्रेंडली में चेंज हो जाता है, और ये फ्रेंडली आपका एडवर्ब नहीं बल्कि ये है क्या, ये आपका एडजेक्टिव है, ये फ्रेंडली आपका एडवर्ब नहीं बल्कि आपका ये एडजेक्टिव है ना। ये चीज आपको ध्यान देना, तो ये चीज तो अलग केस है, लेकिन आप नॉर्मली इतना याद रखिए, एडवर्ब नॉर्मली वो होता है जिसके लास्ट में मतलब एल वाई एड होता है ना, या कभी कभी क्या होते हैं कुछ ऐसे एडवर्ब रहते हैं कि उनमें एल वाई नहीं रहता है लेकिन वो एडवर्ब होता है ना। जैसे आपको पता है कि ऑफन होता है, ओ एफ टी ई एन, यहाँ टी साइलेंट भी रहता है। ऑफन मीन्स होता है अक्सर, ऑफन मीन्स क्या होता है, अक्सर होता है, या ऑफन मीन्स होता है प्रायः, ऑफन मीन्स होता है अक्सर होता है, या ऑफन मीन्स होता है प्रायः, ये आपका एडवर्ब है। अब जबकि इसमें एल वाई लगा ही नहीं है ना। और ऐसे कौन कौन से होते हैं, आइए, तो एक तो आपने देखा ऑफन होता है, अच्छा अब एल वाई वाले कुछ देख लीजिए। जैसे देखिए हार्ड, हार्ड मीन्स होता है कठिन, ये एडजेक्टिव है, इसमें लग गया एल वाई, तो ये क्या चेंज हो गया आपका, एडजेक्टिव में जब एल वाई लगता है तब वो चेंज होता है एडवर्ब में, तो ये हो गया आपका हार्डली। तो हार्डली का मतलब मुश्किल से भी कभी, आदमी कहता है यार मैं हार्डली आ पाऊंगा, समझ लो मतलब मैं मुश्किल से ही कभी आ पाऊंगा, है ना। तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से भी कभी, मुश्किल से ही
कभी, मुश्किल से ही कभी, मतलब कभी कभार, आप ऐसे कह सकते हैं, मुश्किल से ही कभी या कभी कभार, हार्डली होता है ना। हाँ एक चीज और याद रखना, कभी कभार के, कभी कभार के लिए पर्सनली एक इंग्लिश होती है, वो होता है आपका रेयरली, RARELY। रेयरली मीन्स होता है कभी कभार, रेयरली मीन्स क्या होता है, कभी कभार, या होता है आपका बहुत कम। रेयरली मीन्स क्या होता है, कभी कभार, या आपका होता है बहुत कम, है ना। हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से ही कभी, और रेयरली का मतलब होता है कभी कभार या बहुत ही कम। लेकिन अगर ये सब एडवर्ब है, ध्यान देना, ये सब एडवर्ब है, अगर बात किया जाए सम सम टाइम्स की, तो ध्यान दीजिएगा, सम टाइम्स की बात किया जाए तो सम टाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। सम टाइम्स मीन्स क्या होता है, कभी कभी, है ना। लेकिन सम टाइम मीन्स होता है कुछ समय, यहाँ एस, अगर आपका एस लगा है तो सम टाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। डन। आगे बात किया जाए अगर यूजुअली, यूजुअली मीन्स क्या होता है, तो USUALLY, यूजुअली। और यूजुअली मीन्स होता है आमतौर पर, आदमी कहता है यूजुअली मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आमतौर पर, है ना। ये एडवर्ब की कैटेगरी में है। नेक्स्ट आपका है ऑलवेज, ALWAYS, और ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा या सदैव। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा या सदैव होता है, ऑलवेज मीन्स होता है ना। सब एडवर्ब की कैटेगरी है। अब पता है हेयर मीन्स क्या होता है, इधर या यहाँ। हेयर मीन्स दो होता है, या तो यहाँ होता है या इधर होता है ना। और अगला बात किया जाए देयर की, TH ER E, तो देयर मीन्स होता है वहां, या तो होता है उधर। देयर मीन्स क्या होता है, वहां या उधर होता है ना। बात किया जाए, बताइए ऑनेस्टली मीन्स क्या होगा, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, LY लगा दोगे तो ये ऑनेस्टली भी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और ऑनेस्टली मीन्स होता है ईमानदारी से, ऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, ईमानदारी से होता है, ये चीज होता है आपका। अच्छा एक टर्म और सुनने को मिलता है जो कि आपका एडवर्ब की कैटेगरी में आता है, लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। एक होता आपका फॉर्चुनेटली, एक होता आपका फॉर्चुनेटली, है ना, और एक होता आपका अनफॉर्चुनेटली। एक फॉर्चुनेटली और एक होता है अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली होता है, दो चीज होता है। तो फॉर्चुनेटली का मतलब सौभाग्य से, और अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्य से। डन है ना। तो ये आपका 8 मिनट्स का वीडियोज हो गया, और पर डे जो है वो कैबलरी सेशन, अभी तो एडवर्ब वोकैबलरी वाला पोर्शन चलेगा, है ना, पर डे 10 मिनट के अंदर ही रहेगा। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया हो तो भाई चैनल आपका है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर ना किए हो तो कर दीजिए, है ना। और इसके साथ में कोई क्वेरी है तो कमेंट आपके लिए है। मिलते हैं कल की क्लास में।